नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स में जैसा आप देख रहे हैं, दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप आपका ये है, सेकंड ग्रुप आपका ये है। तो फर्स्ट ग्रुप क्या है, उन एंगल्स का है जो कि फिक्स्ड है, और सेकंड ग्रुप क्या है, एक रेंज में है, एक इस रेंज से इस रेंज तक है। तो अभी हम फर्स्ट वाला फिक्स वाला पढ़ेंगे। सबसे पहले राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल क्या होता है, 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल होता है, या फिर 360 की जगह पर आप बोल सकते हो वन फुल रिवोल्यूशन। अगर आप एंगल्स देखना चाहें तो 90 डिग्री का या आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये हो गया आपका राइट एंगल। अगर आपको कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल देखना है, तो स्ट्रेट एंगल क्या होगा आपका, ये वाला 180 डिग्री का, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल मीन्स आपका एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो रहा है, ये वाला आपका हो गया कंप्लीट एंगल। फर्स्ट वाला ग्रुप हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ेंगे हम एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री और राइट एंगल, मींस अगर कोई एंगल 90 डिग्री से या राइट एंगल से छोटा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल बोलेंगे। अभी सेकंड ग्रुप आता है हमारा ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है, एंगल मोर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल। मीन्स जो एंगल राइट एंगल से बड़ा है और स्ट्रेट एंगल से छोटा है, मीन्स 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो एंगल्स मोर देन स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो मीन्स जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो एक बार दोबारा से मैं रिपीट करा देता हूँ। राइट एंगल क्या है आपका, 90 डिग्री का है। स्ट्रेट एंगल क्या है, 180 डिग्री का है। कंप्लीट एंगल आपका 360 डिग्री का है, या वन फुल रिवोल्यूशन भी बोल सकते हो आप। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री या राइट एंगल से छोटा है उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ऑब्टूस एंगल जो 90 डिग्री या राइट एंगल से बड़ा है बट स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री से छोटा है। रिफ्लेक्स एंगल वो होते हैं जो 180 डिग्री से बड़े हैं। तो आशा करता हूँ आपको एंगल समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।